ये मामू जान रमशा पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं? मतलब अगर नया फोन देना ही था तो कोई भी फोन दे देते, इतना महंगा फोन देने की क्या जरूरत थी? हाँ, यही बात तो मैं भी सोच रही थी। भाईजान ने इतनी मोहब्बत तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जतलाई, और वैसे भी गैरों के साथ इतना कौन करता है। मामू जान को तो छोड़ें, अफनान का भी आजकल यही हाल है। हर बात में रमशा की मिसाल उसकी तारीफ है। अगर उसने थोड़ी बहुत खिदमत कर भी ली तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन इन दोनों को ये बात कौन समझाए? इसीलिए तुमसे कहती हूँ, जॉब छोड़ो और घर पर तवज्जो दो। तुम जरा देखो रमशा को, कितनी चालाक लड़की है। हर वक्त भाईजान के आगे पीछे घूमती है, उनकी खिदमतें करती है, उनको दवाएं देती है, और अब तो उनके जितने परहेजी खाने वो खुद पकाती है। तो आप क्या चाहती हैं मामा? मैं इन सब चक्करों में अपना करियर दांव पे लगा दूं? अलीजे, तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल काम है। मुझे एक बात बताओ, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका करियर जो है वो उसके शौहर के साथ वाबस्ता हो जाता है। पर माशाल्लाह से अफनान के पास तो सब कुछ है, और जो कुछ उसका है वो तुम्हारा ही तो होगा। तो फिर तुम अपने करियर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हो? मामा, चले एक मिनट के लिए सोचते हैं। अगर अफनान को मेरी जिंदगी से माइनस कर दिया जाए तो फिर? क्या बचेगा मेरे पास? ना अफनान और ना ये सब कुछ। बेकार की बातें मत करो, अल्लाह ना करे कि अफनान को कभी कुछ हो। सोच समझ के बात किया करो लीजे। मामा प्लीज, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत, जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो।